So our today's topic is about equilibrium. As I have already discussed in the last lecture about the equilibrium, what is equilibrium and what is equilibrium state? When any chemical reaction, especially in any chemical reaction, when the backward and forward reactions both come at a point when they can inter-exchange to each other, that reaction is called equilibrium reaction. Equilibrium, it is a state when reactant or product, both the side, the forces are equal to convert each other, either from reactant to product it becomes a forward reactions, and product to reactant it becomes a backward reactions. But when we state about the concentration of the reactant, they both are equal. Let me explain you with an example. Here I am talking about the reactant and product. When the reactant converts into product or product converts into reactant, what does actually it means? Reactant is neither 0% or 100%. Remember, ये रिएक्टेंट कभी भी 100% नहीं होगा और प्रोडक्ट 0% नहीं होगा. लेकिन हम लोग मानते हैं कि जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो उस समय प्रोडक्ट 0% रहता है और रिएक्टेंट 100% रहता है. लेकिन ऐसा होता नहीं है, एक्चुअली ऐसा होता नहीं है. ये 99% रहता है और ये 1% रहता है. याद रखना इसको ऐसे. तो ये 99 से जैसे जैसे परसेंटेज डिक्रीज होते जाएगा, प्रोडक्ट साइड इंक्रीज होते जाएगा. मतलब आप कह सकते हो कि अगर हम ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बना रहे हैं, तो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालें तो रेट ऑफ रिएक्शन आर इज इक्वल टू होगा माइनस डी ए बाई डी टी. बोलोगे सर वाई माइनस डी ए बाई डी टी? क्योंकि आपको पता है कि रिएक्टेंट डिक्रीज करेगा, प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा. तो रिएक्टेंट के साइड में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिक्रीज होते जाएंगे. और अगर हम प्रोडक्ट के रेट की बात करें, तो अगर हम प्रोडक्ट के रेट की बात करें तो आर इज इक्वल टू डी सी बाई डी टी. उसी तरह से बी का माइनस डी बी बाई डी टी और डी का प्लस डी बी डी टी बाई डी टी. तो इस तरीके से रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट, राइट. अब यहां पर मैं कह रहा था कि कोई भी इक्विलिब्रियम स्टेट के बारे में हम कैसे समझते हैं कि ये केमिकल इक्विलिब्रियम है या नहीं है. तो इसके लिए हम लोगों को दोनों डायरेक्शन में, मतलब लेफ्ट टू राइट दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड रिएक्शन एंड राइट टू लेफ्ट दैट इज कॉल्ड बैकवर्ड रिएक्शन. एज फॉर एग्जाम्पल यहां पर अमोनिया का हम लोगों ने लिया है, तो अमोनिया में आप देखना N2 plus 3H2 is equal to 2NH3. और जैसे मैंने आप लोगों को सिखाया है कि हम लोगों को फिजिकल स्टेट भी मेंशन करना होता है, राइट. तो फिजिकल स्टेट यहां पर गैसियस है. अब यहां पर जब ये गैसियस स्टेट में है, एट इक्विलिब्रियम व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, देन दैट रिएक्शन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम रिएक्शन एंड दैट मिक्सचर इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम मिक्सचर. अब यहां पर एक चीज बहुत ही बड़ा सीखने को आपको मिलेगा, क्या ये रिएक्शन 100% कंप्लीट होता है? क्या ये रिएक्शन कभी भी लिमिटिंग रिएजेंट में आएगा? द राइट आंसर इज नो. ये रिएक्शन कभी भी 100% में कंप्लीट नहीं होगा. 100% ना तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनेगा और ना ही प्रोडक्ट 100% रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा. ये उस स्टेट तक आएंगे. तो उस स्टेट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? उस स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं आपको बताता हूं. यहां पर एक ग्राफ बना रहा हूं मैं. इस ग्राफ के जरिए आपको बता रहा हूं कि एक कंसंट्रेशन का ग्राफ है और दूसरा जो है हमारा टाइम का ग्राफ. जस्ट सपोज कीजिए यहां पर रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट के रूप में कन्वर्ट हो रहा है और यहां पर प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट के रूप में कन्वर्ट हो रहा है. आपको ये जो पॉइंट दिख रहा है, जिस पॉइंट पे ये दोनों मिक्स कर रहे हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट. और ये आप जस्ट सोचिए, रिएक्टेंट जब जीरो था, टाइम जब जीरो था रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन
हम लोग मान लेते हैं 100% लेकिन होता नहीं है उस समय, क्योंकि प्रोडक्ट कुछ बना नहीं रहता। तो यहां पर रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट बना। अब वही प्रोडक्ट जब रिएक्टेंट बन रहा है, आप देख लीजिए यहां पर, ये जो आप इंटरमिक्सिंग पॉइंट देख रहे हो, यहां पर देखना ये दोनों प्रोडक्ट एक ही पोजीशन पे, लेकिन कंसंट्रेशन में दोनों का फर्क। तो जब इक्विलिब्रियम का रिलेशनशिप कंसंट्रेशन पे वो डिपेंड है, याद रखना इक्विलिब्रियम का कंसंट्रेशन कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम का कंसंट्रेशन कांस्टेंट होता है, टाइम वेरी कर रहा है। तो यहां पर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, एक और मैं आपको ग्राफ बना के दिखाता हूं। जस्ट सपोज कीजिए एक रिएक्टेंट इधर है और दूसरा प्रोडक्ट इधर है, तो ये जो आप लोगों को बीच में डैश दिख रहा है, ये कंसंट्रेशन और ये टाइम, इसका जो रिलेशनशिप है ये भी एक तरह का इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन का क्या रिलेशनशिप है, जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़े भी थे और मैंने आपको बताया भी। इसमें हम लोगों ने दो चीज और पढ़ा था, केसी और केपी का रिलेशनशिप। तो केसी और केपी में मैंने आप लोगों को बताया था, अगर याद होगा आप लोगों को, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, तो पी इज इक्वल टू होता है एन बाई वी आर टी, और एन बाई वी को हम लोग कंसेंट्रेशन कहते हैं, तो सी आर टी कह सकते हैं हम लोग। इस कंसेंट्रेशन का रिप्रेजेंटेशन पोलैरिटी में होता है, तो यहां पर सी आर टी हम उसको कह सकते हैं। तो अगर हम दोनों का कॉन्स्टेंट लें, के पी इज इक्वल टू के सी आर टी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन लेकिन यहां पर होता क्या है कि गैसियस मॉलिक्यूल्स फर्क पड़ जाते हैं, तो इसीलिए KP इज इक्वल टू हो जाता है KC RT टू द पावर डेल्टा NG, नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स। बट इट, तो ये जो रिलेशनशिप बिटवीन KP एंड KC है, जब भी हम किसी भी कंपाउंड में, याद रखना, जब भी हम किसी भी कंपाउंड में इस प्रेशर और कंसंट्रेशन की बात करेंगे, तो जो गैसियस मॉलिक्यूल्स होगा उसमें अक्सर हम लोगों को केपी निकालने के लिए पूछेगा, जो एक्वस मॉलिक्यूल है उसमें हम लोगों को केसी निकालने के लिए पूछेगा। लेकिन जब हेट्रोजीनियस कंपाउंड होगा, हेट्रोजीनियस का मतलब हो गया तुम्हारा दो रिएक्टेंट में से एक रिएक्टेंट गैसियस दूसरा सॉलिड, और प्रोडक्ट में भी मान लो तुम्हारा जो दोनों प्रोडक्ट है, एक तुम्हारा गैसियस दूसरा सॉलिड, तो इस परिस्थिति में तुम लोगों को केपी और केसी दोनों का रिलेशनशिप दिखाना पड़ेगा, तो उस समय हम लोगों को ये फॉर्मूला यूज करना है। गॉट इट, ये इसका एक्सपोनेंट को भूलना मत। अब आ जाइए जहां तक हम लोगों ने लेक्चर कंप्लीट किया था, उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्योंकि हमने जो पार्ट कंप्लीट किया है वो पार्ट मैं आपको एक बार और बता देता हूं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था होमोजीनियस हेट्रोजीनियस रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, राइट, रिवर्सिबल रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल कितने प्रकार के होंगे, रिवर्सिबल कितने प्रकार के होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट हमने पढ़ा था होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा था, उसके बाद फिजिकल स्टेट में जो इक्विलिब्रियम होते हैं सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसेस के बारे में हमने पढ़ा था, इक्विलिब्रियम इन सॉलिड सॉल्यूशन में एक लॉ है जो हम लोगों ने शायद पढ़ा था हेनरीज लॉ के बारे में, याद है आप लोगों को, नहीं पढ़ा था चलिए कोई बात नहीं, अब फिर से मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि लॉज ऑफ मास एक्शन मैंने बता दिया है आपको, एम आई राइट। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि कैसे हम लोग एक्सप्रेशन ऑफ के करते हैं, के की वैल्यू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कुछ न्यूमेरिकल्स भी बनाया था, पार्शियल प्रेशर से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी बनाए थे, याद है आप लोगों को, KP KC का रिलेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कैसे निकाला जाता है, उसके बाद होमोजीनियस गैसियस स्टेट में डेल्टा एन की वैल्यू जीरो कब होगी, कब ग्रेटर देन होगी, कब लेस देन होगी, तो बताया था मैंने, कब निगेटिव होगी, कब पॉजिटिव होगी उसकी वैल्यू। उसके बाद एक लास्ट टॉपिक था केमिकल इक्विलिब्रियम का, वो था ली चैटरलीस प्रिंसिपल, उसके बाद आप लोगों का शुरू होना था आयनिक इक्विलिब्रियम। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार आप लोग ये सारी चीजों को फिर से एक बार समझ लीजिए कंसेप्ट के साथ, ताकि आपका ध्यान बिल्कुल कंसेंट्रेटेड रहे।
चलिए मैं आपको बता देता हूं कि आखिर खास करके रेट ऑफ रिएक्शन इन बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इन फॉरवर्ड रिएक्शन। जैसे मैंने आपको अभी कहा फिजिकल स्टेट्स के बारे में, इक्विलिब्रियम का फिजिकल स्टेट्स के बारे में, कि कब कोई सॉलिड से अगर लिक्विड में कन्वर्ट होता है और लिक्विड से सॉलिड में, लिक्विड से गैस में और गैस से लिक्विड में, सॉलिड से गैस में और गैस से सॉलिड में। सब्लिमेशन का नाम सुना है आप लोगों ने? सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड कंपाउंड डायरेक्टली गैसेस कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है, और अगर हम उसको कंडेंस करें तो गैस से वापस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे रिएक्शंस को हम लोग खास करके सॉलिड टू गैस फिजिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे, और गैस टू सॉलिड भी फिजिकल इक्विलिब्रियम में आएगा। अब डिपेंड करता है कि किस तरीके से हम इस रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं, कितना टेम्परेचर, कितना प्रेशर। एक मैं आपको क्वेश्चन देना चाह रहा हूं, अमोनियम क्लोराइड, जैसे मैंने कैम्फर कहा था बिल्कुल उसी तरह से ये अमोनियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। इसको जब आप हीट करोगे, गर्म करोगे, तो ये आपका वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आप इसको कूल करोगे तो वापस से ये जो है आपका सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग फिजिकल स्टेट्स के बारे में पढ़े थे, आयनिक, कोवेलेंट कैसे एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं, और मैंने आप लोगों को एक पीसीएम फाइव वाला रिएक्शन करवाया था। आप लोगों ने नोटबुक में लिखा था या नहीं लिखा था? टोटल नंबर ऑफ प्रेशर वाला, मोल फ्रैक्शन वाला, तब केपी और केसी की वैल्यू माइनस में होगी, केसी की वैल्यू पॉजिटिव, निगेटिव और न्यूट्रल, लिखा था ना? चलिए अब आप लोग हेडिंग डालेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस में प्रेशर हम लोगों ने लिखा था कि नहीं लिखा था? मुझे बस इतना बता दीजिए। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का? केपी और केसी का खाली रिलेशनशिप लिखा था। चलिए कोई बात नहीं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हेडिंग डालेंगे हम लोग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सबसे पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, तो यहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जब अगर आपका इक्विलिब्रियम में है और टाइम के रेस्पेक्ट में इसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा, तो इसका सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है कंसंट्रेशन डू नॉट चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। कंसंट्रेशन डू नॉट चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। In equilibrium state, सबसे पहला इसका यही पॉइंट है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, कि कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगा अगर आपका केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो इसका कंसंट्रेशन हमेशा कांस्टेंट आएगा। दूसरा, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। कहने का मतलब यह हुआ कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है और फाइनल कंसंट्रेशन क्या है उसकी वैल्यू से वो फ्री है। कि आपको ये नहीं बताना है कि के की वैल्यू क्या होगी। जैसे मैं आपको बताता हूं ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, राइट? तो मैंने आपको अभी जस्ट बताया रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट्स and directly proportional to products।
तो जब हम इसका कंसंट्रेशन लिखते हैं तो R इज इक्वल टू K इंटू डी ए बाय डी टी माइनस में लिखेंगे, ये खास करके फॉरवर्ड रिएक्शंस में हो रहा है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन में लिखेंगे K इंटू माइनस डीबी बाय डीटी, फॉरवर्ड रिएक्शंस में ही हम लोग लिख रहे हैं K प्लस डीसी बाय डीटी, फॉरवर्ड रिएक्शंस में ही हम लोग लिख रहे हैं K प्लस डीडी बाय डीटी। तो ये जितना भी हम लोगों ने अभी रेट लिखा है, अभी सिर्फ रेट लिखा, अब रेट से हम लोगों को क्या निकालना है, कांस्टेंट K की वैल्यू निकालनी है। तो K की वैल्यू जो है आपका सब में तो सेम ही आ रहा है ना, चाहे वो रिएक्टेंट हो कि प्रोडक्ट हो, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस डी डी बाई डी टी, क्योंकि सबका रेट तो इक्वल ही है। तो रेट अगर इक्वल है तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम का जो कांस्टेंट है उसमें मैंने अभी जस्ट आपको बताया द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन एंड फाइनल कंसंट्रेशन। जब आपका इनिशियल कंसंट्रेशन में जो भी था और फाइनल कंसंट्रेशन में जो भी आया उससे तो ये परे है ना, इंडिपेंडेंट है, क्योंकि सबके वैल्यू एक जैसी है यहाँ पर। तो इसीलिए यहाँ पर जो सेकेंड पॉइंट है हम लोगों को लिखना है, सेकेंड पॉइंट में आप लोग लिख लीजिए द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट of initial and final concentrations, initial and final concentrations. Equilibrium constant has one unique value for particular reaction represented by a balanced equation at a given temperature. अब आपको एक चीज मैं बता देता हूं, अगर हम कोई भी रिएक्शन का जो कांस्टेंट टर्म निकालते हैं, एक मैं रिएक्शन यहां पे देना चाहूंगा कि अगर हम H2 plus I2 gives 2HI बराबर, ये एक रिएक्शन है। इस रिएक्शन में सबसे पहले अगर हम इस रिएक्शन का कंसंट्रेशन कांस्टेंट KC की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा HI का एक्सपोनेंट 2, H2 का कंसंट्रेशन और I2 का कंसंट्रेशन, होगा कि नहीं होगा? यस और नो? उल्टा हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यही होता है ना, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट हमारा HI है, उसका नंबर ऑफ मोल्स 2 है, इसीलिए उसका एक्सपोनेंट वहां पे 2 हो गया, और यहां पर H2 और I2, तो KC की वैल्यू तो हमारी यही होगी ना। लेकिन ये कौन से डायरेक्शन में है याद रखना, ये रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन बराबर। अगर इस चीज को आप बैकवर्ड डायरेक्शन में करोगे तो ये आपका रिएक्टेंट हो जाएगा और ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। इसीलिए इक्विलिब्रियम में कभी भी 100% कंप्लीट रिएक्शन नहीं होता है, याद रखना, कंप्लीट रिएक्शन कभी भी इसमें नहीं होता। तो अगर आपको पूछना हो कि क्या सर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होगा, है ना, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, RF इज इक्वल टू RV, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों का रेट तो सेम होगा इक्विलिब्रियम रिएक्शन है तो, यस। और हमने निकाला भी है, अभी आपको बताया भी था इससे प्रीवियस स्लाइड में कि कैसे हम लोगों ने लिखा माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस डी डी बाई डी टी, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्टेंट इन बैकवर्ड डायरेक्शन एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन बोथ आर इक्वल। सो दैट्स व्हाई इन द इक्विलिब्रियम स्टेट हियर स्पेशली
the reactant concentration do not change, especially when the initial and final concentration is given in the chemical equilibrium reaction. तो यहाँ पर हम लोगों को एक चीज याद रखना है कि कैसे इन्फ्लुएंस होकर के यहाँ पर अगर हम कांस्टेंट वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये जो हम लोगों को वैल्यू निकला है केसी का, इस केसी की वैल्यू मैं आपको बता दूं ये कौन से डायरेक्शन में है, बैकवर्ड या फॉरवर्ड? ये हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन में निकाले तो क्या होगा, केसी की वैल्यू हो जाएगी H2 का कंसेंट्रेशन, I2 का कंसेंट्रेशन और HI का एक्सपोनेंट 2, ये हो जाएगा हमारा बैकवर्ड में, ये बैकवर्ड में और ये फॉरवर्ड, राइट। और अगर सिंथ अगर हम दोनों के कंसेंट्रेशन का रेशियो निकालेंगे तो हमको वैल्यू 1 है ना। तो कहने का मतलब मेरा ये था कि अगर आप KF KCF मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड KC बैकवर्ड डायरेक्शन, इस दोनों को जब आप डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा, कैंसिल होगा, किसी से कैंसिल होगा कि नहीं होगा, मुझे तो लगता नहीं। A by B by C by D, यहां पर A by B और वहां पे B by A है ना, A by B और वहां पे B by A है, तब तो A square में B square हो जाएगा, है ना। तो यहां पर जो वैल्यू हमको मिलेगा वो वैल्यू एक यूनिक वैल्यू होगा जो खास करके किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, दैट एट द गिवन टेम्परेचर बोथ द रिएक्शन आर बैलेंस, दिस विल गिव यू अ यूनिक वैल्यू, यूनिक वैल्यू एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इन विच यू कैन से दैट बोथ द वैल्यूज आर इक्वल। समझ में आया कि मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो है दोनों एक जैसे। अब आ जाइए आप लोग टेम्परेचर बेस्ड पर किस तरीके से हमारा ग्राफ होगा एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस में, और कैसे टेम्परेचर किसी भी केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शंस को फेवर करता है। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स में, अभी जितना भी हम पढ़ रहे थे ये खास करके हमारा था रिलेशनशिप या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट में। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होता है। दूसरा हमने देखा कि इनकी जो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट की वैल्यू है वो इनिशियल कंसेंट्रेशन और फाइनल कंसेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है। तीसरा हमने देखा इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक यूनिक वैल्यू आता है जो खास करके किसी भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन को बैलेंस करके एक गिवन टेंपरेचर पे दिया। गॉट इट, ये तीन चीजें अभी हमने पढ़ी। अब आ जाइए ये सारे के सारे टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम जितना भी डिपेंडेंट है वो किन किन चीजों के आधार पर ये डिपेंड करते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगर हम किसी भी केमिकल इक्विलिब्रियम में जब हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होने को है और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज होने को है, इसमें अगर हम कुछ हीट को ऐड करते हैं प्लस डेल्टा एच करते हैं तो ये रिएक्शन हमारा एंडोथर्मिक होगा, होगा या नहीं होगा? और अगर हम प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में चेंज कर रहे हैं और उसमें से हम हीट को बाहर निकाल रहे हैं तो ये रिएक्शन हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में आपको क्या लग रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज होगा, टेम्परेचर एक में इंक्रीज होगा एक में डिक्रीज होगा, डेफिनेटली होगा ही होगा। तो जिसमें आपका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है वो आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और जिसमें आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वो आपका इंडोथर्मिक।
याद रखना, टेम्परेचर इंक्रीज मींस इंडोथर्मिक एंड टेम्परेचर डिक्रीज मींस एक्सोथर्मिक, राइट। अब यहां पर मैं आप लोगों को ये जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो निकालने के लिए मैं आप लोगों को एक ग्राफ बना करके देता हूं। एक्सोथर्मिक में कंसंट्रेशन कांस्टेंट और प्रेशर कांस्टेंट का क्या रिलेशनशिप है, ये तो अभी आपने टेम्परेचर का देखा कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा मतलब इंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है और डिक्रीज करेगा मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में कंसंट्रेशन कांस्टेंट और कांस्टेंट प्रेशर का क्या होगा? अगर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करें, इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन में केसी और केपी की बात करें, कंसंट्रेशन कांस्टेंट एंड प्रेशर कांस्टेंट, तो अगर हम टेम्परेचर को एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज, अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो हमारा केपी और केसी का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन केसी एंड केपी वैल्यू इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। याद रखना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन केपी और केसी की वैल्यू टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में केसी और केपी डिक्रीज करेगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। याद रखना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, केपी एंड केसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और अगर फॉर इंडोथर्मिक रिएक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, केपी एंड केसी जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एक्सोथर्मिक में इनवर्सली प्रोपोर्शनल। याद रखना, और अगर हमें इन दोनों के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को किसी दिए हुए टेम्परेचर पे निकालना है तो वहां पर वेनेट हॉफ इक्वेशन जो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था चैप्टर नंबर 5 में वेनेट हॉफ इक्वेशन में, यहां पर एक स्लोप एक ग्राफ में बना करके दिखा रहा हूं। इस ग्राफ को ध्यान से देखेंगे आप लोग, इसमें ये जो स्लोप की वैल्यू है ये हमारा 1/t है, नीचे वाला जो आप देख रहे हो दिस इज नथिंग एल्स इट्स 1/t, और ऊपर वाला जो है वो लॉग के की वैल्यू है, और ये जो स्लोप की वैल्यू होगी, स्लोप इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच बिकॉज इट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन अपॉन माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर इज अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, 2 के बाद आप लोग पॉइंट जरूर लगाएं। अब इस स्लाप पे ये स्लोप जो है, इस स्लोप के तहत आप देखना डेल्टा एच अपॉन आर टी स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन आर टी स्क्वायर इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग के विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, डेल्टा एच अपॉन आर टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी लॉग के अपॉन डी के, इंटीग्रेशन आता है आपको नहीं आता, इसका इंटीग्रेशन निकालो, बाय डूइंग इंटीग्रेशन बोथ द साइड्स, लिखिए याद है, चलिए इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं, बाय डूइंग इंटीग्रेशन बोथ द साइड्स। अब यहां पर हमारा जैसे हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे किस चीज का, डेल्टा एच बाय आर टी स्क्वायर का,
डेल्टा एच बाय आर टी स्क्वायर का एक साइड हमारा डेल्टा एच बाय आर टी स्क्वायर है, दूसरे साइड हमारा डी एल एन के बाय डी टी है। तो भाई साहब जो जो कांस्टेंट है उसको पहले आप बाहर निकाल दीजिए, जैसे जो जो कांस्टेंट था हमारा डेल्टा एच अपॉन 2.303 r, ये बाहर निकल जाएगा, यहां पर 2.303 था पहले से 1 अपॉन 2.303 तब आता है ये वैल्यू, आप लोगों ने देखा होगा। तो 2.303 r और डेल्टा एच आपका बाहर निकल गया, इसमें क्या बच गया आपका 1 by t square dt, है ना, 1 by t square dt, और दूसरा आपका बच गया इधर log k जो है, क्योंकि ln 2 माइनस ln 1 हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ln 2 माइनस ln 1 क्योंकि डेल्टा एल एन के है, तो इसीलिए डी के रेस्पेक्ट में इसको भी टाइम के साथ करेंगे। ये जो वैल्यू आएगी डेल्टा एच अपॉन 2.303 r इंटू 1 by t1 माइनस 1 by t2, क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में हमारा चेंज हो रहा है, और ये जो लॉग की वैल्यू है लॉग के टू माइनस लॉग के वन, तो आप लोगों ने लॉग तो पढ़ा ही होगा, लॉग के टू माइनस लॉग के वन को क्या लॉग के टू बाई के वन लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहां पर जो वैल्यू आपको दिख रहा है डेल्टा एच अपॉन 2.303 r, इसको वैसे ही रहने दीजिए, इंटू 1 by t1 square minus 1 by t2 square। ये जो वैल्यू आप लोगों ने निकाला है इसमें